हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग द सीरीज ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजडीज बाय विलियम शेक्सपियर और इस सीरीज में हमने हेमलेट ऑथेलो और किंग लियर कंप्लीट कर ली है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैकबेथ सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो द फुल टाइटल ऑफ द प्ले इज़ द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ एंड इट इज परफॉर्म्ड समटाइम्स अराउंडीन और

किंग डंकन जो है इनिशियली यहाँ पर किंग ऑफ स्कॉटलैंड है और इनके दो बेटे हैं मैलकम जो कि बड़ा बेटा है और डोनल बैन जो कि छोटा बेटा है देन वी हैव बैंको हियर बैंकू मैकबेथ का फ्रेंड है और उसका भी एक बेटा है जिसका नाम है फ्लींस ठीक है देन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मैकडफ तो मैक Mac, मैकडफ क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम जानेंगे इस प्ले को पढ़ते समय एंड देन वी हैव हिकेट क्वीन ऑफ विचेस सो यहाँ पर तीन चुड़ैले हैं थ्री विचेस थ्री वियर्ड सिस्टर्स भी जिन्हें हम कहते हैं और इन थ्री विचेस थ्री जो वियर्ड सिस्टर हैं चुड़ैले हैं इनकी क्वीन का नाम है हिकेट ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्ले सो द सोर्स ऑफ द प्ले इज हॉल इनशेट्स क्रॉनिकल्स हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड हॉलिंगशेट्स क्रॉनिकल्स की हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड को इस प्ले का सोर्स माना गया है एंड किंग जेम्स डीमिनोलॉजी किंग जेम्स की डिमेनोलॉजी में से इस प्ले की तीन चुड़ैलों को लिया गया है ऐसा माना जाता है सो एक्ट वन बिगिंस द प्ले ओपन विद द ट्राई ऑफ विच इज डिसाइडिंग दैट नेक्स्ट मीटिंग विल बी विद मैकबेथ सो प्ले तीन चुड़ैलों की मीटिंग के साथ शुरू होता है जो कि प्ले के बैकग्राउंड में चल रहे वॉर के बारे में बात कर रही हैं और बताती हैं कि स्कॉटलैंड का वॉर नॉर्वे और आयरलैंड के साथ चल रहा है और ये भी बताती हैं कि इस वॉर में स्कॉटलैंड ही जीतेगा क्योंकि स्कॉटलैंड के पास मैकबेथ है मैकबेथ जो कि बहुत ब्रेव जर्नल है स्कॉटलैंड की आर्मी का तो वो ही इस वॉर को जीत के जीत कर आएगा आयरलैंड और नॉर्वे से इसके बाद ये चुड़ैलें बताती हैं कि इनकी मीटिंग इसके बाद मैकबेथ से होगी जब मैकबेथ वॉर से वापस आएगा तो यहाँ पर वो फेमस लाइन्स आती हैं जिसमें वो डिस्कस करती हैं कि अब वो मेकबथ से कब मिलेंगी तो वो कहती हैं वेर शेल वी मीट अगेन थंडर लाइटनिंग और इन द रेन तो हम अब कहाँ मिलेंगे ये वो डिसाइड करते हैं और उसके बाद तीनों चुड़ैलें अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं सो स्कॉटिश किंग डंकन हीयर्स द न्यूज़ ऑफ विक्ट्री ऑफ मैगबत ओवर आयरलैंड एंड नॉर्वे तो अब पता चलता है स्कॉटलैंड में बैठे किंग डंकन जो हैं वो अपने महल में बैठकर इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि युद्ध में कौन विजय हुआ है युद्ध में उनकी सेना जीतेगी या नॉर्वे और आयरलैंड जीतेंगी ये उनको अभी तक पता नहीं था तो अब उनके पास समाचार आता है कि युद्ध में स्कॉटलैंड विजय हुआ और मैकबेथ ने बहुत ब्रेवरी के साथ उस युद्ध को लड़ा और वहाँ पर उन्होंने थेन ऑफ काउडर जो कि स्कॉटलैंड का था बट नॉर्वे के साथ मिल गया था उसको भी मार डाला तो ये न्यूज़ किंगडंगन को मिलती है देन वट हैपन्स मैकबित एंड बैंको कम अक्रॉस द ट्रायो ऑफ विचेस तो अब मैकबिथ और उसका फ्रेंड बैंको वो भी आर्मी में जर्नल है तो वो दोनों वॉर से वापस आ रहे हैं और वापस आते समय उन्हें कौन मिलती हैं द ट्रायो ऑफ विचेस तो वो तीनों चुड़ैलें आकर रास्ते में उनको मिल जाती हैं हु एडजस्ट मैकबिथ एस थेन ऑफ ग्लेमिस एंड देन एज थेन ऑफ काउडर तो वो बोलती हैं मैकबेथ को वेलकम थेन ऑफ ग्लेमिस तुम युद्ध जीत कर आए हो ब्रावो एंड देन दे कॉल हिम द थेन ऑफ काउडर की वेलकम थेन ऑफ काउडर तो थेन ऑफ ग्लेमिस तो मैकबेथ होता है इस बात को वो एक्सेप्ट करता है बट वो थेन ऑफ काउडर नहीं होता है तो इसलिए वो कहता है कि तुम मुझे थेन ऑफ काउडर क्यों बुला रही हो क्योंकि थेन ऑफ काउडर तो मैं हूँ ही नहीं तो यहाँ पर वो चुड़ैले मैकबेथ को बोलती हैं कि तुम बहुत जल्द थेन ऑफ काउडर बनोगे and they also told him that soon he will become the king of Scotland, leaving Macbeth stunned and, surprise. and, that, that, Macbeth, so, Macbeth stunned and surprised. और उसके साथ साथ वो ये भी बोलती हैं कि Macbeth तुम बहुत जल्द Scotland के राजा बनोगे तो इससे Macbeth बहुत stunned और surprised हो जाता है कि वो कैसे राजा बन सकता है क्योंकि वो तो army का एक general है ठीक है तो उसके बाद बैंको जो मेकबेद के साथ होता है वो बोलता है कि तुम तीन आत्माएं जो इसे इसका फ्यूचर बता रही हो कुछ मेरे बारे में भी बताओ सो दे टर्न टू बैंको एंड टोल्ड हिम दैट ही विल नेवर बिकम द किंग बट ही विल फादर अ लाइन ऑफ किंग्स फॉर स्कॉटलैंड तो वो बोलती हैं बैंको को कि बैंको तुम कभी भी राजा नहीं बन पाओगे लेकिन तुम क्या करोगे तुम फादर करोगे अ लाइन ऑफ किंग्स फॉर स्कॉटलैंड लेकिन तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे जो आने वाली जनरेशन है वो क्या बनेगी राजा बनेगी और स्कॉटलैंड के बहुत सदियों तक एक लाइन ऑफ किंग्स देगी स्कॉटलैंड को ठीक है सो देन वट हैपन्स रॉस एंड एंगस कम्स एंड inform Macbeth ऑफ इज बिकमिंग थेन ऑफ काउडर तो जब चुड़ैले गायब हो जाती हैं तो मैकबेथ और बैंक को आगे बढ़ते हैं और वो भूल सा जाते हैं जो चुड़ैले कहती हूँ कहती कि ये कोई बिलीव करने वाली बात नहीं थी उसको मानते नहीं हैं तो तभी रॉस और एंगस दो आते हैं और वो मैकबेथ को इन्फॉर्म करते हैं कि Macbeth थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है ठीक है क्योंकि डंकन को जब भी पता चलता है कि थेन ऑफ काउडर ने ट्रेजरी की थी स्कॉटलैंड के साथ और वो नॉर्वे की सेना के साथ जाकर मिल गया था और मैकबेथ ने उसे वहीं मार डाला तो वो इस खुशी में मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना देते हैं और दो मैसेंजर्स को भेजते हैं कि जाकर मैकबेथ को इन्फॉर्म करो कि उसे थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है डंकन थैंक्स टू जर्नल्स फॉर हीरोइज्म एंड अनाउंसेस मेलकम हियर टू दी थ्रोन तो जब महल में मैकबेथ और बैंको पहुंचते हैं तो वहां पर एक सभा होती है जिसमें डंकन दोनों जर्नल्स मैकबेथ और बैंको को थैंक्स करते हैं उनके हीरोइज़्म और बहादुरी के लिए जो उन्होंने वॉर में दिखाया होता है और उसके बाद वो ये अनाउंस करते हैं कि उनका जो बड़ा बेटा है मेलकम उसे वो अपनी आ, अपने राज्य का उत्तराधिकारी ईयर घोषित करते हैं ठीक है वो बोलते हैं कि मेरी बात इस स्कॉटलैंड uh, का किंग कौन बनेगा मेरा सन मेलकम आर मेड फॉर डंकन टू डाइन एट मैकबेद कासल एंड मैकबेथ इन्फॉर्म्स लेडी मैगबेथ अबाउट रॉयल पार्टी इन अ लेटर तो अब किंग uh, डंकन बहुत ज्यादा खुश है इस uh, वॉर की विक्ट्री से और इस वॉर का सारा क्रेडिट वो मैकबेथ को देते हैं तो वो उस रात मैकबेथ के कासल में जाकर डिनर करने के लिए मैकबेथ को बोलते हैं कि आज रात मैं तुम्हारे साथ ही डिनर करूंगा तुम्हारी ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए तो मैकबेथ एक लेटर लिखता है अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को और उसे बताता है कि मुझे थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है फॉर माई ब्रेवरी इन द वॉर और बोलता है कि आज रात किंग डंकन हमारे कासल पे डिनर uh, करने के लिए आएंगे तो तुम एक रॉयल पार्टी का इंतजाम करके रखना सारा मैनेजमेंट करके रखना ये वो एक लेटर में अपनी वाइफ लेडी मैकबेद को लिख कर भेज देता है ठीक है सो नाउ एक्ट टू बिगेंस और किंग डंकन मैकबेद के कासल पर स्कॉटलैंड की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं और वहीं डिनर करते हैं ठीक है मैकबेथ जैसे ही अपने कासल पहुंचता है तो वो लेडी मैकबेथ को सारी बातें बताता है कि कैसे उन्हें रास्ते में तीन विचेस मिलती हैं और वो क्या क्या फोरकास्टिंग मैकबेथ के लिए करती हैं और बैंकों के लिए करती हैं वो ये सारी बातें लेडी मैकबेथ को बताता है लेडी मैकबेथ ये जानकर बहुत खुश हो जाती हैं कि अब मैकबेथ राजा बनेगा स्कॉटलैंड का क्योंकि वो बहुत समय से ये चाहती थी कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बने ठीक है सो नाउ बैंको एंड फ्लिनस ऑल्सो रीच देयर इन द मैगबेथ कासिल वेर ही सजेस्ट मैकबेथ दैट विचज हैज़ रिवील्ड सम ट्रूथ टू मैकबेथ तो यहाँ पर बैंको अपने सन फ्लिन के साथ वहाँ पहुँचता है और मैकबेथ से कहता है कि तुम्हें विचज ने कुछ तो सच बोला ही था क्योंकि तुम्हें अब थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है तो वो मैकबेथ से जानने की कोशिश करता है कि विचेस की बातों में कितनी सच्चाई है लेकिन मैकबेथ इग्नोर कर देता है कहता है कि विचेस के बारे में फिर कभी बात करेंगे अभी उनके बारे में बात नहीं करनी सो नाव लेडी मैकबिथ वॉन्ट्स किंगशिप फॉर मैकबेथ एंड परसुट्स हर हस्बैंड टू किल किंग डंकन इन ऑर्डर टू ऑबटेन किंगशिप तो अब लेडी मैकबिथ चाहती हैं कि मैकबेथ को बहुत जल्दी थ्रोन मिले तो वो वो मैकबेथ से कहती हैं कि तुम किंग डंकन को मार डालो और स्कॉटलैंड की गद्दी पर राजा बनकर बैठ जाओ ये उसकी उसका एम्बिशन है वो चाहती है और इस चीज़ के लिए वो मैकबेथ को परसुएट करती है वेन मैकबेथ ऑब्जेक्ट्स शी चैलेंज हिज मैनहुड एंड वेलर तो जब मैकबेथ ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं किंग डंकन हमारे प्यारे राजा हैं तो वो उसके मैनहुड को और उसके वेलर को ब्रेवरी को चैलेंज करने लगती थी कि तुम कैसे जर्नल हो तुम कैसे वॉर जीत के आते हो जब तुम एक राजा को नहीं मार सक रहे हो और वो भी उसका किंगशिप लेने के लिए इसीलिए तो युद्ध किया जाता है तो ये वो मैकबित को समझाती है एंड शी प्लान्स टू किल हिम आफ्टर डिनर एंड पुट द ब्लेम ऑन द गार्ड्स तो यहाँ पर लेडी मैकबित प्लान बनाती है किंग डंकन को मारने का डिनर के बाद वो कहती हैं इनको डिनर कराते हैं और उसके बाद जब ये सोने के लिए हमारे कासल में जाएंगे तो उस समय इन्हें मार डालेंगे और इसका ब्लेम उन दो गार्ड्स पर डाल देंगे जो इनके कमरे के बाहर पहरा दे रहे होंगे इस काम के लिए वो उन गार्ड्स को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देती है कि वो होश में ही नहीं रहते हैं उन्होंने इतनी ज्यादा ड्रिंक उन दो गार्ड्स को करा दी होती है इन द डार्क एंड हॉल मैकबेथ सीज अ डैगर फ्लोटिंग इन द एयर तो मैकबेथ लेडी मैकबेथ की बातों से दुखी होकर एक हॉल में चला जाता है जहाँ वो अंधेरा करके बैठ जाता है और उससे तब वहां पर एक डैगर फ्लोट करता हुआ हवा में दिखाई देता है और उस डैगर का हैंडल मैकबेथ के हाथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और उसका पॉइंटर किंग डंकन की तरफ इशारा कर रहा होता है कि जाओ किंग डंकन को मार दो तो मैकबेथ सोचता है कि कहीं ये उसके माइंड का डैगर तो नहीं और फिर वो अपना डैगर लेके किंग डंकन को मारने के लिए उनके चैम्बर की तरफ चला जाता है वहां जाकर मैकबेथ देखता है कि किंग डंकन आराम से पीसफुली उनके चैम्बर में सो रहे हैं तो उनको नींद में सोया हुआ देख कर, इतनी पीसफुली वो सो रहे होते हैं उन्हें देख कर Macbeth से उन पर चाकू नहीं उठाया जाता है और वो उन्हें बिना मारे ही वापस आ जाता है लेडी मैकबेथ के पास सो लेडी मैकबेथ असर्टेड शी वुड हैव किल्ड द किंग हर सेल्फ हैड ही नॉट इसम्बल्ड हर फादर एज ही स्लेप्ड तो लेडी मैकबेथ ये देख कर बड़ा दुखी हो जाती कि मैकबेथ इस तरह कायरों की तरह बिहेव कर रहा है और वो किंग डंकन को मारे बिना वापस आ गया है तो so, वो बोलती है कि, कि वो मेकबेत uh, का इंतजार ही नहीं करती इस काम के लिए वो किंग डंकन को खुद जाकर मार देती अगर किंग डंकन सोते हुए उसके फादर की तरह नहीं दिखाई देते वो कहती है कि किंग डंकन जब सो रहे हैं तो उसे वो अपने फादर की तरह लग रहे हैं इसलिए वो उनको नहीं मार पा रही नहीं तो वो मैकबेत को मेकबेत का इंतजार ही नहीं करती और वो इस काम को खुद कर देती तो वो मेकबत को यहाँ पे बहुत बुरा भला बोलती है उसे कायर बोलती है और मेकबेत फिर परसवेड होकर वापस किंग डंकन को मारने के लिए चला जाता है और उनको मारकर वापस आ जाता है मैकबेथ एमरजेज विद ब्लडी डैगर इन हिज हैंड बेडली शेकन ही टेल्स ही हैड हर्ड अ वॉइस स्लीप नो मोर तो मैकबेथ यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है किंग डंकन को वो मार के आ जाता है और वो डैगर हाथ में लेकर खून से सना हुआ और हाथ भी उसके खून से भर जाते हैं किंग डंकन के तो वापस आता है और वो बहुत डरा हुआ होता है बहुत घबराया हुआ होता है और वो बोलता है कि उसने एक आवाज़ सुनी है जो कि क्या कह रही थी स्लीप नो मोर कि अब इस कासल में कोई नहीं सो सकेगा स्लीप नो मोर इस तरह की वॉइस उसने सुनी है और वो उसके कानों में गूंज रही है ये वो लेडी मैकबेथ को बताता है नाउ लेडी Macbeth बिकम्स angry when she शी केम टू नो has हैज़ to टू लीव द डैगर विथ स्लीपिंग गार्ड्स तो लेडी Macbeth पहले Macbeth को देखकर बहुत खुश होती है कि उसने किंग डंकन को मार दिया है बट जब देखती है कि Macbeth उस डैगर को वापस लेकर आ गया है तो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक उस dagger को sleeping guards के पास छोड़ना था ताकि मर्डर का इल्ज़ाम उनके ऊपर जाए She herself takes the dagger to room and sets everything as per their plan. तो so, वो उस डैगर को खुद वापस उस रूम में लेकर जाती है और उन्हें गार्ड्स के पास रख कर आती है और उन गार्ड्स को के हाथों पर खून लगाकर उनके कपड़ों पर खून लगाकर वापस आ जाती है ठीक है सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक वो सेट करके आ जाती है यहाँ मैकबेथ कहता है विल ऑल ग्रेट नेपच्यून सोशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड तो मैकबेथ बहुत डरा हुआ है घबराया हुआ है और वो कहता है कि क्या मुझे इस डीट से आजाद कौन करा सकता है मेरे हाथों पर इतना खून लगा हुआ है क्या पूरे ओशियन का पानी भी इस खून को धो पाएगा मेरे हाथों से क्योंकि मैकबेथ बहुत डर गया है किंग डंकन का मर्डर करने के बाद क्योंकि उसने एक प्योर सोल को हार्म किया है अभी तक जो कि उसने कभी नहीं किया होता है ठीक है अ लिटिल of this deed. तो लेडी मैकबेथ आती है और मैकबेथ के हाथों को वॉश बेसिन में धो देती है और कहती है देखो अ लिटिल of this deed. थोड़े से पानी नहीं इस को, इस deed से हम मुक्त हो जाते हैं थोड़े से पानी से ही अपने हाथ धोकर देखो तुम्हारे हाथ साफ हो गए हैं ठीक है Now they hear नॉकिंग एट द गेट नॉक नॉक सो अब क्या होता है कि उन्हें अपने गेट पर नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है नॉक 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 यही पूरे सीन में चलते रहता है और बार बार ऐसा लगता है कि कोई उनके गेट को खटखटा रहा है कोई अंदर घुसना चाहता है देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है ठीक है तो बहुत बार देखने के बाद भी उन्हें नहीं पता चलता है कि ये नॉक नॉक करने वाला कौन है बट बाद में उन्हें ये पता चलता है कि ये नॉकिंग करने वाला मैकडब था एक्ट थ्री शुरू होता है मैकडथ कोनेटेड एस किंग एंड बैंको थिंग्स ऑफ विच इज सो एक्ट थ्री में हम देखते हैं कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ अपने प्लान में सफल हो चुके हैं और किंग डंकन मारे जा चुके हैं और उनके मर्डर का इल्ज़ाम जो है वो स्लीपिंग गार्ड्स पे डाल दिया गया होता है बैंको अभी सोचता है विचेस की प्रोफेसिस के बारे में क्योंकि जब वो देखता है कि मैकबेथ को मैकबेथ किंग बन गया है पहले थेन ऑफ कावडर बना तो वो सोचता है कि जब ये दो प्रोफेसिस सही हो सकती हैं तो क्यों ना आगे वाली प्रोफेसिस भी सही हों और उसके बेटे आगे चलकर स्कॉटलैंड के राजा बने ठीक है मैलकम एंड डोनल बेन हैव फ्लेट फ्रॉम स्कॉटलैंड टू इंग्लैंड तो डंकन के दोनों सन मेलकम और डोनल बेन उन पर भी ये इल्ज़ाम डाल दिया जाता है कि वो दोनों स्कॉटलैंड से भागकर इंग्लैंड चले गए तो शायद क्या पता डंकन का मर्डर उन्होंने ही किया हो तो इस तरीके से किसी को पता नहीं होता है कि एक्चुअल मर्डरर कौन है और वो गैस करते रहते हैं कि शायद ये दोनों बेटे भाग गए हैं तो क्या पता इन्होंने ही अपने फादर का मर्डर किया हो लेकिन मेलकमर और डोनल बैन डर के मारे भागे होते हैं कि जिन्होंने भी उनके फादर को मारा है उनका अगला टारगेट वो ही होंगे ये सोचकर वो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड भाग जाते हैं मैकबेथ वॉज अवेयर ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्रोफेसी सो so तो ही इन्वाइट बैंको टू द फीस एट नाइट विच so, ही सो मैकबेथ को पता होता है कि चुड़ैलों ने बैंको के बारे में भी प्रोफेसी की है कि उसके सन ही स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे आने वाले समय में तो so, मैकबेथ को लगता है कि इस थ्रोन के लिए राइवल जो होंगे वो बैंको के सन ही होंगे और वो बैंकों को निमंत्रण देता है उस रात जो उसने डिनर का आयोजन किया होता है सभी रॉयल लोगों के लिए उसमें बैंकों को बुलाता है और बैंको उसका निमंत्रण स्वीकार करता है तो अब आप देखेंगे कि मैकबेथ कैसे सत्ता के लालच में एक एक करके और मर्डर करते जाता है और बुरे काम करते जाता है फियरिंग बैंकोज सस्पिशन ही अरेजेज टू हैव हिम मर्डर्ड बाई हायरिंग टू मैन एंड लेटर अ थर्ड वन मैकबेथ को ऐसा लगता है कि कहीं बैंको को शक न हो जाए कि मैकबेथ ने सत्ता के लालच में थ्रोन के लालच में किंग डंकन का मर्डर कर दिया है तो उसके सस्पिशन के डर में वो क्या करता है दो मर्डरर को हायर करता है बैंकों को मारने के लिए और बाद में एक तीसरे मर्डरर को भी भेज देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो दो नहीं मार पाएंगे तो एक तीसरे को भी भेज देता है कि जाकर तुम बैंकों को और उसके सन को मार के आ जाना एट नाइट इन द मिड ऑफ द फीस द मर्डर कम टू इन्फॉर्म हिम बैंकोज असैसन एंड फ्लिनप तो जब रात में मैकबेथ ने जो डिनर का आयोजन किया होता है उसमें सभी रॉयल गेस्ट आए होते हैं बट बैंक को नहीं आ पाता है क्योंकि बैंकों को मारने के लिए तो उसने ऑलरेडी दो लोगों को भेजा होता है तो जब वो डिनर चल रहा होता है उसके बीच में ही मर्डरर आते हैं और नॉक करते हैं मैकबेत के गेट पर और मैकबेत उनसे मिलने जाता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने बैंकों को सक्सेसफुली मार दिया है लेकिन बैंकों का जो सन है फ्लिंस वो बचकर भाग निकला है ये इंफॉर्मेशन मैकबेद को मिलती है इन द मिड ऑफ द डिनर ओके सो जो डिनर पार्टी चलती है उसके बीच में मैकबेथ को एक खबर मिलती है जिससे मैकबेथ बहुत गुस्सा होता है कि फ्लिंस को तो मारना था मेन टारगेट तो फ्लिंस था क्योंकि कल को किंग बनेगा तो वो फ्लिंस ही बनेगा तो इसलिए वो बहुत uh, निराश होता है उन मर्डरर्स के वर्क से सो नाउ एन इंटरेस्टिंग सीन बिगिनस इन द मिड ऑफ द डिनर फीस बैंकोस गोस्ट एंटर्स एंड सिट्स एट मैकबेथ्स प्लेस मैकबेथ हॉरीफाइज सिंग हिम एंड शाउट्स एट हिम एंग्रीली विच शॉक्स द गेस्ट एट द फीसट तो अब डिनर के बीच में बैंको जो कि मारा जा चुका है उसका गोस्ट आता है और वो मैकबेथ की जगह पर बैठ जाता है वो सिर्फ मैकबेथ को ही दिखाई देता है और बाकी गेस्ट को नहीं दिखाई देता है तो मैकबेथ शॉक हो जाता है क्योंकि उसके मरने की खबर अभी तक सिर्फ मैकबेथ को ही पता होती है बाकी को नहीं पता होती है तो वो उसे देख उस पर चिल्लाने लगता है तो बैंकों से कहता है कि तुमने ये कैसी दोस्ती निभाई तुमने तो मेरा ही मर्डर करवा दिया तो वो मैकबेथ के प्लेस पे बैठ जाता है और मैकबेथ उस पर चिल्लाने लगता है और जो बाकी वहाँ पर गेस्ट होते हैं और लेडी मैकबेथ वो सब उसका बिहेवियर देखकर बड़ा शौक हो जाते हैं कि मैकबेथ इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है वो इस खाली चेयर पर किसे देख उससे बात कर रहा है और वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये वो गेस्ट सोचने लगते हैं तब लेडी मैकबेथ उन्हें समझाती है कि उसके हस्बैंड को कभी कभी ऐसा हो जाता है तो इस तरीके से उस सिचुएशन को वो हैंडल कर लेते हैं समवेयर इन स्कॉटलैंड लिनॉक्स एंड अनदर लॉर्ड डिस्कस वट हैज़ हैपन टू द किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड दे ब्लेम्ब्ड मैगबेथ फॉर इट तो लनक्स जो है वो एक लॉर्ड है और उसके साथ कुछ और लॉर्ड है वो डिस्कस करते हैं कि स्काटलैंड की कंडीशन को क्या हो गया है यहाँ के किंगडम पर बड़ी विपदा आ गई है क्योंकि मैकबेथ यहाँ का राजा बन गया है और किंग डंकन जो है उनको मार दिया गया है तो इसलिए वो सब मैकबेथ को ही ब्लेम करते हैं स्कॉटलैंड की सिचुएशन के लिए और डंकन के मर्डर के लिए तो वो सोचते हैं कहीं ना कहीं मैकबेथ में कुछ गड़बड़ है ये उन्हें लगता है

किंग डंकन का बड़ा पुत्र है और मैकडफ जो कि एक लॉर्ड है जो नॉक करते हुए वहाँ पहुँचा था और जब उसने किंग डंकन का मर्डर देखा था तो वो वहाँ से चला जाता है वो वहाँ से स्केप करता है क्योंकि उसे लगता है कि मैकबेथ कुछ गड़बड़ कर रहा है और वो स्कॉटलैंड छोड़कर भाग जाता है उसी समय तो ये लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि मैलकम और मैकडफ जो कि बाहर हैं स्कॉटलैंड से ये लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और स्कॉटलैंड को मैकबेथ से बचा लेंगे ये यहाँ पर ये लॉर्ड्स डिस्कस करते हैं सो नाउ एक्ट फोर बिगिंस और एक्ट फोर की बिगनिंग में हम देखते हैं मैकबेथ बहुत डरा हुआ है क्योंकि बैंकों का सन फ्लिन सुरक्षित भाग चुका है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं विचेस की जो फोरकास्टिंग थी बैंकों के सन्स को लेकर वो भी सच ना हो जाए और स्कॉटलैंड का किंगडम उससे छीना ना जाए ये सोच कर वो विचेस को ढूंढने निकल पड़ता है और वो अब चाहता है कि विचेस उसे उनकी प्रोफेसिस का सच बताएं ठीक है तो वो विचिज़ को ढूंढने निकल पड़ता है एक हीथ में और वहाँ तीनों विचेस उसे मिलती हैं तो विचेज अब उसे श्योर करती हैं कि मैकबेथ को डरने की ज़रूरत नहीं है तीनों विचेस उसे मिलकर बताती हैं फर्स्ट विच उससे बोलती है जो पहली चुड़ैल होती है वो कहती है बी अवेयर ऑफ मैकडफ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बी अवेयर ऑफ मैकडफ मैकडफ से सावधान रहना दूसरी विच उसे कहती है नन ऑफ वुमेन बॉर्न शल हार्म मैकबेथ औरत से नेचुरली पैदा हुआ कोई भी इंसान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है तीसरी चुड़ैल जो होती है वो उससे कहती है ही इज़ सेफ अनटिल द वुड ऑफ बिरनम मूव्स टू द डन सिन हिल तो तीसरे भी उसे कहती है कि वो तब तक सुरक्षित है जब तक बिरनम वुड्स यानी कि वहाँ पर एक जंगल होता है बिरनम का तो बिरनम का जंगल जब तक मूव करके चलकर कर डनसिन हिल तक ना पहुंच जाए डने कासल होता है स्कॉटलैंड का तो जब तक वहां तक बिरनम चलकर ना पहुंच जाए तब तक मैकबेथ सुरक्षित है तो इन भविष्यवाणियों को सुनकर मैकबेथ को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी भविष्यवाणियाँ हैं यानी कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता सो so, अब इन तीन फोरकास्टिंग के बाद फाइनली अ प्रोसीजन ऑफ एट क्राउन किंग्स वॉक्स बाई कैरिंग अ मिरर इन द एंड बैंकोस गोस्ट फॉलोज तो इन तीनों भविष्यवाणियों के बाद अब फाइनली एक प्रोसीजन दिखाई देता है मैकबेथ को जिसमें आठ किंग जिनके सर पे मुकुट है क्राउन किंग वॉक्स बाय कैरिंग अ मिरर एक मिरर को लेके जा रहे होते हैं और लास्ट में बैंको का गोस्ट जो है उनके पीछे से फॉलो करता है उनको तो मैकबेथ पूछता है अभी मैकबेथ आस्क द मीनिंग ऑफ द विजन बट इन वेन मैकबेथ पूछता है उन चुड़ैलों से कि जो लास्ट में तुमने मुझे विजन दिखाया एट क्राउन किंग्स का वो क्या था उसका मतलब क्या था लेकिन तब तक चुड़ैलें नाचने लगती हैं कूदने लगती हैं चिल्लाने लगती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं ठीक है लेनाक्स टेल्स मैकडफ हैज़ फ्लेक्ट टू इंग्लैंड तो लेनाक्स मैकबेथ को बताता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग चुका है मैकबेथ सेंड्स अ मर्डरर टू किल मैकडफ एंड हिज फैमिली तो मैकबेथ एक मर्डरर को हायर करता है और उसे मैकडफ और उसकी पूरी फैमिली को मारने के लिए भेज देता है तो लेडी मैकडफ जो हैं उन्हें मैकडफ के कासल में एक मैसेंजर बताता है कि उनको यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि एक तो उनके हस्बैंड यहाँ नहीं है और दूसरा कोई उन्हें मार सकता है कभी भी तो लेडी मैकडफ कहती हैं कि जब हमने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो कोई हमें क्यों मारेगा और वो वहाँ से नहीं भागती हैं सो एट मैकड्स कासल लेडी मैकडफ एंड हर सन इज़ किल्ड बाय द मर्डरर्स तो मर्डरर्स वहाँ पर आते हैं और पहले वो लेडी मैकडफ के बेटे को मार देते हैं तो जब लेडी मैकडेफ देखती है कि उनके बेटे को मार दिया है किसी मर्डरर ने तो वो वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन मर्डरर जो होता है वो लेडी मैकडेफ को भी पकड़ के मार डालता है एट किंग एडवर्ड्स पैलेस मेलकम एंड मैगड फॉर्म दलाई तो इंग्लैंड में किंग एडवर्ड के पैलेस में मेलकम और मैगड दोनों एक अलाई फॉर्म करते हैं स्कॉटलैंड को मैकड से बचाने के लिए मैकडफ इज informed अबाउट द मर्डर ऑफ his वाइफ एंड इनोसेंट चिल्ड्रन तो वहां पर जाकर मैकडफ को यह पता चलता है कि उसकी एबसेंस में उसकी वाइफ और उसके बच्चे का मर्डर कर दिया है मैकबेथ ने Macduff vows टू अवेंज Macbeth. अब मैकडफ यहाँ पर बहुत दुखी होता है फिर उसके बाद वो प्रण लेता है कि वो मैकबेथ को जरूर मारेगा so now, Act एक्ट फाइव At डॉक्टर डिस्कस लेडी Lady हैबिट ऑफ स्लीप वॉकिंग एंड मोर्निंग अबाउट बैंको एंड लेडी मैकडफ्स मर्डर तो अब डनसनेम की कासल में डॉक्टर लेडी मैकबेथ की तबीयत और अजीब हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं लेडी मैकबेथ की अब नींद उड़ चुकी है उनको रातों में नींद नहीं आती है वो स्लीप वॉक करती हैं नींद में चलने लगती हैं और हर समय उन्हें बड़बड़ाने की हैबिट हो गई है तो वो बैंको और लेडी मैकडफ के मर्डर के बारे में हर समय बड़बड़ाती रहती हैं शी कैप्ट वॉशिंग हर हैंड्स एज शी ऑलवेज सी ब्लड इन हर हैंड्स तो लेडी मैकबेथ हर समय अपने हाथ धोते रहती हैं क्योंकि उन्हें अपने हाथों में हर वक्त खून दिखाई देता है तो अगर आप एक्ट टू में देखें वहाँ पे लेडी मैकबेत ने ही मैकबेद को परसुवेट किया था कि डंकन का नींद में मर्डर करने के लिए तो नींद को नेचर की प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है क्योंकि जब इंसान सोता है तो वो अपने सारे सुख दुख बुलाकर सोता है तो उस वक्त लेडी मैकबेत ने कहा था मैकबेत को कि जाओ सोते हुए डंकन को मार डालो तो अब यहाँ पर लेडी मैकबेद की खुद की नींद उड़ गई है उनकी उस डीट की वजह से और दूसरा उन्हें अपने हाथों में खून भी इसलिए दिखाई देने लग गया है क्योंकि जब मैकबेथ वहाँ से आया था डरा हुआ मर्डर करके तो वो खुद ही उसके हाथों को धोकर पानी से बोलती हैं कि दिस लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीट कि थोड़े से पानी से ही हम इस डीट से बच जाएंगे ठीक है इंग्लिश आर्मी लेड बाय मेलकम एंड मैकडेफ प्लान्स टू मीट एट बिन्नम वुड तो इंग्लिश आर्मी के टेन सोल्जर्स को लेके मेलकम मैकडफ को प्रॉमिस करते हैं कि वो बिरनम बूट पे मिलेंगे और वहीं से डनसिन कासल पर अटैक करेंगे मिलकर मैकबेथ बोस्ट प्राउडली दैट ही हैज़ नथिंग टू फियर फ्रॉम द इंग्लिश आर्मी और फ्रॉम मेलकम सिंस नन दैट हैज अ नेचुरल बर्थ कैन हार्म हिम तो मैकबेथ बहुत बोस्ट करते हैं प्राउडली अपने कासल में कि उसे किसी का डर नहीं है ना ही इंग्लिश आर्मी का और ना ही मेलकम का क्योंकि कोई भी जिसका एक नेचुरल बर्थ है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसका कुछ नहीं कर सकता तो वो ये कहता है कि सभी लोग नेचुरली जन्म लिए हुए हैं एक औरत से ही तो इसलिए उसका कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैकड बहुत ज्यादा घमंड के साथ ही कहता है वहां पर नियर बिरनम वूड मेलकम एंड मैकडव प्लान टू मार्च टूवर्ड द फोर्टिफाइड इन इन कासल बाई कवरिंग दम सेल्फ विद द्रांचेस ऑफ बिरनमूड्स सो मेलकम और मैकडव बिंडम जंगल से डनसनेन कासल की घेराबंदी को तोड़ने का प्लान बनाते हैं और वो सभी सैनिकों से कहते हैं कि हम यहाँ से डनसनेन कासल तभी पहुँच पाएंगे जब हम डनसनेन के सैनिकों को दूर से नहीं दिखाई दें तो अब वो अपने सैनिकों को कहते हैं कि तुम सभी बिंडम बूट की बिंडम पेड़ों की जो शाखें हैं उनसे अपने आप को छिपा लो और उन, उनसे अपने आप को छिपाकर आगे की तरफ मार्च करो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहो ठीक है So, इस तरीके से बिन्नम बूट की शाखों को लेकर और कुछ छोटे छोटे पेड़ों को लेकर सैनिक वहाँ से आगे डनसनेन कासल की तरफ बढ़ने लगते हैं

मेकबेत को लगता था कि लेडी मेकबत का पागलपन डॉक्टर्स ठीक कर देंगे बट जब उसे ही पता चलता है कि लेडी मेकबेत ने सुसाइड कर लिया है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और नमली वो ये लाइन्स बोलता है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन ईडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग तो उसे ऐसा लगता है कि लाइफ क्या है सिर्फ़ एक ईडियट की कही हुई टेल है ठीक है Castle. उसके बाद दूसरा मैसेंजर वहां आता है और वो मैकबेद को बताता है कि बिरनम का जंगल जो है वो चलकर डनसने कासल की तरफ आ रहा है ठीक है तो वो बिरनम का जंगल तो होता नहीं है वो इंग्लिश आर्मी होती है जिसने बिरनम के पेड़ जो हैं उनको लेकर वो अपने आगे से चल रही होती है पेड़ों को और शाखों को लेकर आर्मी मार्च कर रही है टुवर्ड्स डनसने इन कासल सो so जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बिरनम वूट की जगह इंग्लिश आर्मी है उसके पीछे तो वहां पर युद्ध शुरू हो जाता है एंड इन दी बैटल फील्ड मैकबेद स्ट्राइक्स अराउंड विगोरियसली बिकॉज नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन कैन किल हिम और उस बैटल में भी मैकबेद बहुत विगोरियसली स्ट्राइक करता है लोगों को मारते रहता है क्योंकि उसे पता है कि कोई भी इंसान जो एक वुमेन से पैदा हुआ है वो उसे नहीं मार सकता ठीक है तो अब मैकडेफ सर्चेस फॉर मैकबेथ इन द केस ऑफ द वॉर टू अवेंज अब मैकडफ यहाँ पे मैकबेथ को ढूंढ रहा है क्योंकि इंग्लिश आर्मी की तरफ से मैकडफ और मेलकम हैं जो मैकबेथ को मारना चाहते हैं तो मेलकम तो कासल के अंदर चला जाता है स्कॉटलैंड के और मैकडफ वॉर में मैकबेथ को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे, अपनी वाइफ और बच्चों के मर्डर का बदला लेना होता है ही सीज मैकबेथ एंड स्ट्राइक्स तो जैसे ही वो मैकबेथ को देखता है तो वो उस पर झपट पड़ता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं मैकबेथ अगेन सेट प्राउडली अबाउट विच इज प्रोफेसी तो मैकबेथ मैकडफ से भी बोलता है कि तुम लड़ लो मुझसे जितना लड़ना है क्योंकि मुझे तो विचेज ने बोल रखा है कि कोई भी इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैकडफ टेल्स मैकबेथ दैट ही इज़ अनटाइमली रिप्ड एंड इज नॉट बॉर्न फ्रॉम हिज मदर्स वोम तो मैकडफ यहां पे बहुत बड़ा खुलासा करता है मैकबेथ से कि ही इज़ अनटाइमली रिप्ड और वो नेचुरली अपनी मदर की वोम से पैदा नहीं हुआ है बट उसे पहले ही काट कर उसके पेट से बाहर निकाल दिया था जिसे हम सिजेरियन बेबी कहते हैं आजकल तो वो कहता है कि मेरा बर्थ नेचुरल बर्थ नहीं है सो नाउ मैकबेथ फियर्स हिज लाइफ बट ही डिक्लेयर्स नॉट टू सरेंडर एंड दे फाइट तो मैकबेथ अंत तक सरेंडर नहीं करता है और लड़ते रहता है और लड़ते लड़ते मैकडफ मैकबेथ का सर धर से अलग कर देता है और इस तरीके से मैकबेथ मारा जाता है लेटर मैकडफ अपियर्स बिफोर मेलकम विथ मैकब्थ्स हैड इन हिज हैंड एंड डिक्लेयर्स मेलकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड और बाद में मैकडफ मैकब का सर लेकर मेलकम के पास जाता है और वहाँ उसको मैकब का सर पेश करता है और डिक्लेयर करता है कि मेलकम ही अब स्कॉटलैंड का राजा है सो so, मेलकम पूरी प्रजा को अपने कोरोनेशन के लिए अगले दिन इन्वाइट करता है और इस तरीके से मेकबथ का ट्रेजिक एंड होता है और ये प्ले यहाँ पर ख़त्म होता है सो अब हम कुछ कोटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं वेर शेल वी मीट अगेन थंडर लाइटनिंग और इन द रेन एक्ट वन सीन वन में चुड़ा लें इस लाइन को कहती हैं वेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वॉन ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है एक्ट वन की फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्ट वन एंड सीन वन मोस्ट आस्ड लाइन लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेड्स इज आर अपॉन द स्टेज

और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो थैंक यू